वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडर रोड माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल आपका स्वागत करता है हेलो स्टूडेंट आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडर रोड बिलासपुर छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स वी आर बैक टू आवर इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास ऑफ फोर्थ होप यू ऑल आर वेल एट होम फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग रूल मेंटेनिंग द हाइजीन एंड ट्राई टू लर्न एवरीडे समथिंग न्यू बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू स्टूडेंट टूडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर सेवन एनिमल्स अराउंड मतलब एनिमल्स जो हमारे आस पास हमारे चारों तरफ जो भी एनिमल्स हैं उनके बारे में विद दीज पॉइंट्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एनिमल बिहेवियर ईयर ऑफ मतलब एनिमल्स वी विल अंडरस्टैंड ओके विद दीज पॉइंट्स स्टूडेंट्स लस स्टार्ट द चैप्टर ओपन द पेज नंबर थर्टी थ्री लस स्टार्ट रीडिंग विद मी मोस्ट एनिमल्स लिव एंड मूव अराउंड इन ग्रुप्स मतलब जो ज़्यादातर आपने देखा ही है कि आपके आसपास जो भी है आप देखेंगे काउस पफिल डॉग्स है ना मंकीज है ना तो ये आपने देखा है कि ग्रुप्स में ही मूव करते हैं दे स्टे टुगेदर हमेशा साथ में रहते हैं फाइंड फूड एंड वाटर प्रोटेक्ट डिमसल्स फ्रॉम एनिमीज रेज देयर यंग वनस है ना इन सब चीज़ों के लिए खाना अपना भोजन तराशने के लिए खाना तराश ढूंढने के लिए पानी के लिए एनिमीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो दुश्मन से है ना जो उनको हंट करते हैं उन्हें तंग करते हैं या तो उन्हें खाने की कोशिश करते हैं और, और उसके बाद है जो उनके जो छोटी बेबीज़ होती हैं यंग वंस होते हैं उनको बड़ा करने के लिए तो ये सब क्या करते हैं ग्रुप में ही घूमते हैं तो लेट्स सी एनिमल्स ग्रुप ओके तो फर्स्ट पॉइंट इज एनिमल ग्रुप्स एनिमल दैट लिव इन ग्रुप हैव अडर द लीडर प्रोटेक्ट द ग्रुप काउज बफिलोज हॉर्सेज एलिफेंट्स पंडबेस जेबरस एंड डियर आर समीमल्स दैट लिव इन ग्रुप्स ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड अर्ड है नीट मीनस जो भी एनिमल है वो ग्रुप में रहते हैं और जो ग्रुप का एक लीडर होता है जो कि हर ग्रुप का एक लीडर होता है जो कि वो प्रोटेक्ट करता है ग्रुप को काउस बॉफेलोज में हॉर्स में एलिफेंट्स में और वाइल्ड बीज है ना वाइल्ड बीज के अफ्रीका में पाए जाने एक तरीका का जानवर होता है एल शो द पिक्चर जेब्रास ये देख लिया अपने जेब्रास है ना ये देख रहे हैं अपने ग्रुप है ये इनका है ना सब का काउस बफेलोज का ग्रुप तो आपने देखा ही नॉर्मली दिख जाता है आपके आसपास कहीं भी दिखता है इंडिया में वैसे भी एनिमल्स कहीं भी दिख जाते हैं डी आर ये सारे ही ग्रुप्स में होते हैं और इन ग्रुप्स को उनको क्या देखिए जैसे कम काइंड ऑफ नेम्स है ना जो ग्रुप्स को हमें कई तरीके से बोला जाता है जैसे हर्ड हो गया और अपना बैंड हो गया बहुत सारी चीज़ें ग्रुप्स को बोली जाती है जो कि इस चैप्टर में आप देखेंगे तो लस्ट नेक्स्ट पैराग्राफ इन एलिफेंट हर्ड टेन और मोर फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर लाइक टुगेदर टुगेदर लिव टुगेदर एंड द ओल्डेस्ट फीमेल इन द हर्ड लीड्स द ग्रुप जो एनिफिल का हर्ड होता है उसमें जो टेन और उससे ज़्यादा फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और वो उनके काफ़ी उनके बच्चे होते हैं बछड़े होते हैं okay? ओके और जो साथ में रहते हैं और जो जो सबसे ओल्डेस्ट uh, होती है फीमेल एलिफेंट वो ग्रुप को लीड करती है शी टेक्स डिसीजन एंड द अदर्स फॉलो वो डिसीजन लेती है और जो बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं शी ऑल्सो प्रोटेक्स द अदर हर्ड मेम्बर्स फ्राम द एनिमीज और वो पूरे हर्ड के जो मेंबर हैं मतलब उनके जून के जो मेंबर्स हैं उनको बाकी एनिमीज से प्रोटेक्ट करती है द मेल एलिफेंट्स लिव विद द ग्रुप फॉर समयर्स एंड देन मोव अवे दैन मोस्ट अवे है ना और उसके बाद क्या होता है कि जो जो मेल होता है जो मेल एलिफेंट होता है वो कुछ साल तक उनके साथ रहता है लेकिन एक टाइम के बाद फिर वो चले जाता है नेक्स्ट ये दाइल्ड विल बेस्ड ऑफ अफ्रीका मूव इन अर्द इन सर्च ऑफ वाटर एंड ग्रास लैंड जो अफ्रीका में जो विल बेस्ट पाया जाता है I'll show द पिक्चर ये ये है अफ्रीका में ये विल बेस्ट जो कि ये भी उसी तरह ग्रुप में ही रहता है और ग्रुप में ही खाना और ग्रास ये वेजिटेरियन होते हैं क्योंकि वो ग्रास खाते हैं उसकी तलाश में जाते हैं दे ब्लाइंडली फॉलो देअर लीडर रिवर्स इन फॉरेस्ट जो कि वो पूरा पूरी अपने पूरी तरीके से जो उसके लीडर होते हैं उसको फॉलो करते हैं कहीं भी जंगल में और रिवर को क्रॉस करने में उनका जो लीडर बोलता है वो वही करते हैं है ना अ ग्रुप ऑफ लायन्स इस कॉल प्राइड जो ग्रुप ऑफ लायंस होता है वो प्राइड प्राइड से समझेंगे इसलिए इनके लिए स्पेशल बर्ड वर्ड दिखाया है प्राइड ही कहते शाही होता है ना क्योंकि शेड लायंस होता है जंगल का किंग ऑफ जंगल बोला जाता है दस कॉल इत्स अ प्राइड है ना अ प्राइड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एडल्ट लायन मतलब जो प्राइड में दो या उससे ज्यादा एडल्ट लायंस होते हैं सेवरल लायनेस आर देयर काब्स इन अ प्राइड और कुछ बहुत सारे लायनेस होती हैं और उनके काब्स होते हैं मतलब उनके यंग वन बेबीज होते हैं इन अ प्राइड द लाइन इज़ हंट और जो प्राइड होता है उसमें जो क्या करती है जो लाइनेस होती हैं वो हंट करती है मेम्बर्स ऑफ अ प्राइड ऑलवेज हेल्प अ वटेड मेम्बर और जो अदर मेम्बर्स होते हैं उस प्राइड के मतलब उनके ग्रुप के तो उसमें जो वॉन्टेड मेम्बर्स होते हैं वॉन्टेड मीन्स मतलब का घायल अगर कोई मान लीजिए शिकार में घायल हो जाता है या कोई इसी तरह से तो वो तो उसको क्या करते हैं जो अदर मेम्बर्स उसकी हेल्प करते हैं एंड इन लाइनज हु इज़ अनेबल टू हंट लेव लाइव ऑन मीट ब्रॉड बाई अदर लाइनज ऑफ द फ्राइट अगर कोई अनेबल है कोई इंजर्ड है लाइनस तो वो हंट कर कोई और लाइनस जो होती है वो हंट पे हंटिंग में जाती है और आ, आ, मीट लेके आते हैं उसके लिए प्राइट के लिए ओके अ ग्रुप ऑफ चिमप एंडीज गोरल और मॉकीस इज कॉल बैंड आपने देखा है कि आ, कभी कभार आपके घर के आसपास बहुत सारा आ, बहुत सारे मंकी से एक साथ आते हैं और चैम्पियज़ अपने जंगल में मिलते हैं और कई बार जू में भी देखते हैं लेकिन जू में तो पर्टिकुलर कुछ चैम्पियज़ को रहता है लेकिन जब वे आ, जंगल में होते हैं तो वो एक ग्रुप में होते हैं उनके ग्रुप को कहा जाता है बैंड ओके okay? चैम्पियज़ इन एलेवेंथ फिफ्टीन टू एटी ग्रुप मतलब देख लीजिए उसमें फिफ्टीन से एटी भी हो सकते हैं द मदर चिंपेंजी एंड हर बेबीज फ्रॉम अ स्मॉलर ग्रुप विद इन द लार्जर ग्रुप और जो मदर होती हैं चिंपेंजीज़ की वो अपने बेबीज़ के साथ एक स्मॉलर ग्रुप बनाती है लार्जर ग्रुप के अंदर ओके okay? के साथ ओके दीज एनिमल्स यूज फेशियल एक्सप्रेशन एंड जस्टर टू कम्युनिकेट विद अनदर ओके वो फेशियल एक्सप्रेशन के साथ फेशियल एक्सप्रेशन के साथ एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं ज दर्न द पेज ओके ओपन द पेज नंबर थर्टी फोर अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड फॉर्म बीज मेकअप बी हैव टू लेव इन और जो ग्रुप होता है बीज का दर इज कॉल्स फॉर्म ओके बीज मेकअप बी और उसमें जो बीज होती हैं जो, जो बी हाइव बना के उसमें रहती हैं आई शो यू दिक्चर ये देखेंगे इस तरह से दिस बी हाइव यहाँ पे बीज सारे यहाँ पे रहते हैं ग्रुप ऑफ बीज कॉल्स फॉर्म बीज मेकअप बी है the queen bees lays the eggs the worker bees look after the queen bee and uh, the young bees they also collect nectar from फ्लावर्स जो जो मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसको स्वाम बोलते हैं और जो ये बी हाइव है मधुमक्खी के छत्ते में मतलब बी हाइव में रहते हैं और उसमें क्वीन रहती है थाउजेंड ऑफ वर्कर्स बीज होती हैं जो कि काम करते हैं और फ्यू हंड्रेड मेल बीज होते हैं इन्हें ड्रोन्स कहा जाता है क्योंकि मोस्टली वो आ, उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं करते दस वाई कॉल ड्रोन्स जो आ, आ, क्वीन भी होती है वो अंडे देती है अंडे देती हैं और जो वर्कर बीज हैं वो क्वीन का और जो यंग बीज हैं उनका ख्याल रखते हैं और साथ ही साथ नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्लावर्स फॉलो कर दस ढूंढते हैं लेके आते हैं उनसे कलेक्ट आते हैं फिश लेवन ग्रुप कॉल्ड स्कूल के लिए यहां पे बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाएंग्रुप एनिमल वी आर यूजिंग फिशन ग्रुप्स कॉल्ड द स्कूल एंड्स लिव इन स्टिल लार्जर ग्रुप कॉल द कॉलोनी और जो एंड्स का ग्रुप होता है जिनकी क्योंकि एंडस का तो बहुत बड़ी ग्रुप में होते हैं काफ़ी होते हैं आपने देखा ही है आपके घरों में आस पास कहीं भी दिख जाते हैं एंड्स और इस रेनी सीज़न में विंट समर सीज़न में एंडस काफ़ी ज़्यादा आपको अपेयर आप दिखने को मिलते हैं अ ग्रुप उसको कॉलोनी बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ आउल्स इज़ कॉल्ड अ पार्लियामेंट और जो ग्रुप ऑफ होता है आउल्स का जो ग्रुप होता है उसको पार्लियामेंट बोलते हैं मोस्टली इसको इसलिए ये एडेक्टिव या वो नेम दिया गया है क्योंकि बोला जाता है कि आउल्स जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं दैट्स वाई इज कॉल पार्लियामेंट सो स्टूडेंट्स यू हैव सीन

वर्ड यूज़ um, है करते हैं और साथ ही साथ हम देखा कि एंड्स के लिए कॉलोनी है ना और स्कूल्स यूज़ करते हैं हम किसके लिए यूज फिश के लिए तो इस तरीके से देखा हमने सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट नाइसली रीड बुक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वॉट एवर पॉइंट्स आर लेफ्ट वी विल कंटिन्यू इन आर नेक्स्ट वीडियो टिल देन ट्यून स्टे होम स्टे सेफ बाय बाय थैंक यू